मारीना संदेश लाइव। गठन किया गया सर, क्या है सर? जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि एक कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, और उसमें देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग 112 नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से पुलिस को सूचित कर रहे हैं कि उनके पास खाद्यान्न की समस्या है, या कुछ लोग बुजुर्ग हैं, घर में बाहर नहीं जा सकते हैं सामान सप्लाई लेने के लिए। ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा लगातार मदद की जा रही है, उनको सामान पहुंचाया जा रहा है, रसद पहुंचाई जा रही है। इसके लिए कल एक व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें आवश्यक वस्तु बैंक हमारे द्वारा जनपद में पुलिस लाइन में तैयार किया गया है, और इसमें पुलिस कर्मियों के द्वारा स्वेच्छा से, प्लस जितने भी जनता के लोग हैं, उसमें सामाजिक संस्थाएं भी हो सकती हैं, संभ्रांत व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनके द्वारा इसमें स्वेच्छा से योगदान किया जा रहा है। अभी तक अच्छा खासा स्टॉक हमारे पास इकट्ठा हो गया है, और इसमें 253 लोगों की मदद अब तक की जा चुकी है। उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको 20-20 दिन का राशन थानों के और चौकियों के माध्यम से ऑलरेडी पहुंचाया जा चुका है। जनता को यही आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर आप समस्या में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, तो पुलिस आपकी मदद के लिए हर समय तैयार है। और ये हमारा जो बैंक है, जितना अच्छा इसमें हमारे पास राशन इकट्ठा हो जाएगा, उतना बेहतर तरीके से पब्लिक की मदद की जा सकेगी। पुलिस वाले अपना वेतन दीजिए, इस स्वेच्छा से जिसको जो कंट्रीब्यूट करना है, ये अपील की गई है पुलिस कर्मियों से भी, और उसमें कोई किसी तरह की ना पाबंदी है, ना ही कि आप अगर 10 रुपया भी देना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, उससे भी किसी परिवार का चूल्हा जलने में मदद हो जाएगी। सर, आपको मैसेज भी गया था कि लोग का भोजन नहीं है, मगर अब इसके बाद ये चालू किया जाएगा। बस व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, कुछ लोगों के द्वारा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा गया, और उनके पड़ोसियों के द्वारा बेसिकली भेजा गया कि ये दो परिवार हैं जिनके पास खाने की समस्या है, बुजुर्ग लोग हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, भोजन इनको नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बाद ये महसूस हुआ कि इस तरह की पहल हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ऐसी चीज़ है कि जो लोगों तक पहुंचती है, और बहुत आसानी से हमारे लिए 112 नंबर की हमारे पास गाड़ियां हैं, आसानी से हम उन तक पहुंच सकते हैं, प्लस उनकी मदद 7-8-10-12 मिनट के अंदर मदद पहुंचा सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और इसी को अभी हमारे एडीजी जोन सर के द्वारा अभी आदेश प्राप्त हुआ है, एडीजी जोन वाराणसी सर के द्वारा पुलिस पब्लिक अन्नपूर्णा बैंक के नाम से इसको पूरे जोन में सर के द्वारा लागू किया गया है। उनके द्वारा इसका पूरा ब्रीफ दिया गया है, कुछ और इसमें निर्देश दिए गए उनके द्वारा, उनको भी समाहित करते हुए, और जब तक ये समस्या है, पब्लिक इससे जूझ रही है, तब तक हम इसमें लगातार पब्लिक का सहयोग करेंगे, पब्लिक की मदद करेंगे। सर, आपने किस मदद की? ये तो एक व्यक्तिगत चीज है, जिसको जितना योगदान देना है वो। अब तक कितने नगद धनराशि प्राप्त हो चुकी है? अब ये देखना पड़ेगा मुझे, स्टॉक में देखना। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।